तो पत्थर मार रहे क्या है नाम है अबे पत्थर मार रहे यार हेलमेट लाओ पत्थर मार रहे पत्थर अरे सीधे पत्थर मार रहे पत्थर हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव में अराजकता का माहौल जमकर देखने को मिल रहा है। छात्र संघ चुनाव में पुलिस के सामने एवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काट दिया। महज मतदान खत्म होने से 15 मिनट पूर्व ठंडी सड़क की ओर से कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, जो पुलिस को और संजय जोशी के समर्थकों को लगे। संजय जोशी के समर्थकों के साथ एबीवीपी समर्थकों ने जमकर अभद्रता की है। वहीं इस बवाल में मोबाइल भी टूटे और छात्राओं से भी अभद्रता हुई है। संजय जोशी के समर्थकों ने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन सत्ता पक्ष के दबाव में काम करती आ रही है। एबीवीपी कार्यकर्ता जमकर उपद्रव मचा रहे हैं और पत्थरबाजी कर रहे हैं, मगर पुलिस चुप्पी साधे है। इधर पुलिस ने जब एबीवीपी कार्यकर्ताओं को पकड़ा तो भी पुलिस की मौजूदगी में अन्य समर्थक उसे छुड़ा ले गए। हमने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पूरी तरह से गुंडागर्दी पे उतारू है और यहाँ पर जो भी छात्र आ रहे हैं उनके साथ बदतमीजी करी जा रही है, हमारी बहनों के साथ बदतमीजी करी जा रही है और वो सिर्फ पूरा लड़कियों का फोन छीना जा रहा है और ये सारा प्रकरण पुलिस प्रशासन के सामने हो रहा है। पुलिस यहाँ पर शासन प्रशासन पूरी तरीके से भाजपा सरकार के दबाव में काम कर रहा है और हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव का मतदान खत्म होकर मतदान की मतगणना शुरू हो गई है। 15 राउंड में चुनाव की मतगणना जल्द पूरी हो जाएगी। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी प्रत्याशी सूरज रमोला और निर्दलीय संजय जोशी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर इस चुनाव की मतगणना में अभी तक एबीवीपी प्रत्याशी सूरज रमोला आगे चल रही है और जल्द ही रिजल्ट घोषित हो जाएंगे। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार। पत्थर मार रहे यार पत्थर पत्थर मार रहे क्या है नाम है पत्थर मार रहे यार हेलमेट लाओ पत्थर मार रहे पत्थर अरे सीधा पत्थर मार रहे पत्थर